डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले घोषणा ये है कि 10 टॉपिक्स का एपिसोड आज नहीं आ रहा है, और ये क्यों नहीं आ रहा है, इस पर एपिसोड आएगा शाम तक, लेट इवनिंग तक, कल लेट इवनिंग तक इस पर एपिसोड आएगा, आपको पता चल जाएगा। और कुछ बहुत अच्छी बातें होंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम फ्रेंडली होंगी, इस पर हम लोग बात करेंगे, तो इसका वेट अप करें। बहुत अच्छी घोषणाएँ होंगी और आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। आज का जो अभी का एपिसोड है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन अभी हम लोग कर रहे हैं, इसका आपकी तैयारियों पर बहुत असर पड़ेगा। और ये है इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सेगमेंट, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिखाई देंगे इकोनॉमी से, कितना आपने सोचा है, अर्थशास्त्र से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक रफ एस्टिमेट हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन एक रफ एस्टिमेट, 12-15-25 क्वेश्चंस। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ इकोनॉमी से 25 क्वेश्चंस थे, इसमें हमने बिहार के भी क्वेश्चंस को जोड़ लिया है, साथ ही इकोनॉमी और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो इकोनॉमी में भी और ज्योग्राफी में भी दिखते हैं, ज्योग्राफी में तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी एक टॉपिक ही है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी के लगेंगे लेकिन वो इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस होते हैं। और इस तरह से अगर देखें तो शुद्ध रूप से इकोनॉमी के क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आए थे पिछले बार 16 दिसंबर को 64वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में। सबसे पहले आइए ये क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन बहुत ब्रीफ में, और आपका आँख खुल जाएगा कि इकोनॉमी में आपने अब तक क्या किया। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी भी काफ़ी टाइम है, 32-35 दिन है, और ये सुधार के लिए इतना टाइम है कि हम लोग अभी अगर 90-80 के स्कोर्स कर रहे हैं, जैसे अरिहंत के जो सेट्स लोग बना रहे हैं जो 80-90 के स्कोर्स कर रहे हैं, उन्हें 110 प्लस हर हाल में पहुंचना होगा, 110 प्लस, और ये करके हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हमारी तैयारी का दिशा क्या है। आइए सबसे पहले 64वीं बीपीएससी के इकोनॉमी के वो क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो 25 क्वेश्चंस जिसमें बिहार के भी इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं वो कैसे थे, आइए देखते हैं। देखिए जो ये सेट बी है, सेट बी का 109 नंबर क्वेश्चन, देखिए 2011 की जनगणना भी इकोनॉमी में काउंट होगा। यह आया था कि भारत की शहरी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या कितनी है, हम लोग लगातार जनसंख्या 2011 कर रहे हैं, आपको ये पता होगा होपफुली, ये हम लोगों ने किया है, 31% है, लगभग 31% ऑलमोस्ट। उसके बाद 110 में आइए, नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा है, वेरी इजी, नीति आयोग हम सभी जानते हैं, बी इसका आंसर हो जाएगा। 112 नंबर उसके पास क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे चीनी का कटोरा कहते हैं, सो सिंपल, ए उत्तर प्रदेश, अधिकतर लोग जानते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो बनने वाला था होपफुली, चूँकि हम सभी जानते हैं कि अबरख में उत्पादन में जो शीट अबरख है उसमें भारत टॉप पे है विश्व में, तो ये क्वेश्चन भी बनने वाला था, इकोनॉमी का अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा इकोनॉमी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन कहता है कि भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर कहाँ है, तो ये भी सबसे नीचे निम्नतम पूछ रहा है, तो हर कोई जानता है बिहार लिटरेसी रेट में सबसे नीचे है, केरल टॉप पे है। उसके 119 नंबर देखिए कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा सोचने वाला तो था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल टॉप पे है, बांग्लादेश से लगा हुआ एरिया, और बिहार दूसरे पोजीशन पे है। 120 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा है, संभावनाएं हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो तेल होगा नहीं और फॉरेस्ट होगा नहीं, बिहार में फॉरेस्ट नहीं है, सब झारखंड चला गया, तो अब बालू का कौन सा उद्योग स्थापित हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बालू खनन पे लोगों ने सोचा होगा, लेकिन कृषि, चूँकि बिहार एक कृषि प्रदेश राज्य है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा सोचने के बाद बनने वाला था। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 133 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो लास्ट 2012 से 17 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना चली है, उसके बारे में पूछा है कि औसत वार्षिक विकास दर कृषि क्षेत्र और उसके सहायक में क्या था, तो ये तो थोड़ा सा जो डेटा नहीं जानते हैं वो सोच रहे होंगे, लेकिन ये 4% था। ये सारे आंसर हम आपको मॉडल आंसर जो बीपीएससी का है उस संदर्भ में बता रहे हैं, तो गलत सही के बारे में आप जो भी है सोच लें, ये मॉडल आंसर है आयोग के द्वारा दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 134 नंबर क्वेश्चन, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो
मेक इन इंडिया को पहले अगर आप समझेंगे तभी इस तरह के प्रश्न बनेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था। लेकिन नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना नहीं होगा, लाल फीताशाही को हटाना ये भी नहीं होगा, सिर्फ विनिर्माण की लागत को कम करना, जो कि मेक इन इंडिया जब आप इंडिया में बनाएंगे तो नेचुरली यहाँ के देसी उद्योग और तकनीक को आप बढ़ावा देंगे, और उत्पाद को प्रतियोगी बनाना ये भी सही है। तो यहाँ पर सी और डी सही हो जाएगा, ई इसका आंसर हो जाएगा। उसको नेक्स्ट 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए इनकरेजिंग नहीं है, प्रोत्साहित ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सी और डी, स्टार्टअप इंडिया जिसका उद्देश्य कुछ अलग है और डिजिटल इंडिया का तो कहीं से भी नहीं होगा, तो सी और डी इसका आंसर ई है। मॉडल आंसर में भी ई इसका आंसर है, सी और डी दोनों ही इसमें प्रोत्साहित ही नहीं होगा। 136 नंबर देखिए, पूरा यानी प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, ये बहुत पॉपुलर इकोनॉमी का क्वेश्चन था। अब्दुल कलाम साहब ने ये कंसेप्ट दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को बढ़ाया जाए ताकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर नहीं भागें। तो ये पूरा योजना बहुत लोकप्रिय थी, अब्दुल कलाम साहब का आसान क्वेश्चन था ये। 137 नंबर अगर आप देखें तो जनगणना फिर से आ गया, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में महिला साक्षरता, तो ये सी इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपने भी इसे किया होगा, हम लोग रेगुलर कर रहे हैं 65.5। उसके बाद नेक्स्ट 138 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो ये क्वेश्चन भी रेगुलर क्वेश्चन है, पॉपुलर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जाने जाते हैं, जो इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की है, और माइक्रो फाइनेंस छोटी छोटी बचतों से आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर इन्होंने माइक्रो फाइनेंस पर बांग्लादेश में बहुत काम किया है और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज तक मिला है शांति का 2006 के लिए। उसका नेक्स्ट 139 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। हम लोगों ने एग्जाम से पहले ये बात किया था कि अगर कोई डेटा ऐसा है जो बिल्कुल दो दिनों या कुछ घंटे पहले आपने सुना है या पढ़ा है और एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आपको आंसर वही करना है। चूँकि आप आंसर में प्रश्न ये देख रहे हैं कि कौन गवर्नर है, इससे पहले उर्जित पटेल थे, क्वेश्चन जब सेट हुआ था उर्जित पटेल थे, लेकिन जब आपने क्वेश्चन बनाया तो कुछ दिन पहले ही शक्तिकांत दास बने थे, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ये रिसेंट डेटा पर आधारित था। उसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा का क्या उद्देश्य है। अब ये क्वेश्चन भी सोचने वाला है, कई बार लोग सोचते हैं रोजगार से संबंधित है, लेकिन मनरेगा का एक लक्ष्य रोजगार से स्वरोजगार है, लेकिन दूसरा लक्ष्य फिर ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नाले या कैनाल्स इनकी सुविधाओं को बढ़ाना, तो ये यहाँ पर ई आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 142 नंबर, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला था, 2017-18 के बजट में कौन सा नहीं उद्देश्य था, तो ये थोड़ा सा सोचने के बाद अगर आप देखें तो भारत को शिक्षित बनाना ये एक अलग कंसेप्ट है, ये यहाँ पर इसमें नहीं था। उसको 143 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित है, हरित क्रांति हम लोगों ने भी किया है, अगर आप देखें तो इसमें तीन इसके फोकस्ड पॉइंट हैं और वो है हाई यील्डिंग वीड्स यानी उच्च उत्पादन देने वाले बीज, हाई यील्डिंग वीड्स, उर्वरक फर्टिलाइजर को लगातार झोंक दिया गया, और जल तकनीक यानी इरीगेशन के सिस्टम को इम्प्रूव करके उत्पादन को बढ़ाना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो नीति आयोग के सीईओ के बारे में पूछा है, नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, उप चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन होते हैं जो राजीव कुमार हैं, एक डिप्टी चेयरमैन होते हैं और सीईओ हैं अमिताभ कांत, ये बहुत पहले दो लोग जान चुके थे, तब काफ़ी ये क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में चलता था। उसका नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन, फिर देखिए जनगणना आ गया और इस बार पूछ रहा है कि जनसंख्या घनत्व में सबसे टॉप पे कौन है, तो ये भी पॉपुलर क्वेश्चन था, बिहार टॉप पे है जनसंख्या घनत्व में। उसको नेक्स्ट अगर आइए 146 नंबर, ये भी बिहार से रिलेटेड है, ये पूछ रहा है कि बिहार में लिंगानुपात 918 है, और नेक्स्ट अगर देखें तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे पूछा है कि पहली बार, ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था, ये हो जाएगा बी 2006-07 पहली बार इकोनॉमिक सर्वे आया। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो किस क्षेत्र में FDI सर्वाधिक आया, भारत में सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में यानी सर्विस सेक्टर में FDI आता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें 149, ये क्वेश्चन डेटा आधारित था, टफ था, सोचने पर बहुत क्लोज था और आयोग ने इसे इंस्टेंटली ई ऑप्शन के रूप में कन्वर्ट कर दिया चूँकि इसका एग्जैक्ट डाटा में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद 150 लास्ट अगर देखें तो 2016-17 में आर्थिक विकास क्या था, बिहार का आर्थिक विकास शुरुआती दौर में जब नीतीश गवर्नमेंट थी तो काफ़ी हाई विकास दर होती थी, तब 10.2 का इस साल विकास दर था, तो
तो काफ़ी खबरों में था, अखबारों का हेडलाइंस था, और इसीलिए ये क्वेश्चन बना भी था। तो ये क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस हैं इकोनॉमी के, क्या सीखने को मिला। अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो ये तो हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे, सीखने को ये मिला कि इसमें योजना आयोग यानी अब नीति आयोग, उसके बाद सरकार की योजनाएं डिजिटल इंडिया या स्टार्टअप्स, ये सब इस पर आपको नज़र रखना चाहिए। उसके बाद कुछ खनिज उत्पादन से संबंधित क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। बिहार से संदर्भ में देखें तो 2011 की जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे, साथ ही बजट। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट देश का भी और बिहार का भी, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखें तो रफली बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, 2011 की जनगणना है, योजना है, नीति आयोग है, और कुछ ऐसे खनिज हैं, रिसोर्सेज हैं जिसमें भारत बहुत अच्छा कर रहा है, इससे संबंधित प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें अब बचे हुए टाइम में अगर इकोनॉमी देखना है तो किस किस टॉपिक पर फोकस्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं पिछले एक साल में आए हैं उसे हमें देखना होगा। इकोनॉमिक सर्वे और बजट चार्ट जाएं, स्कैन कर लें, चूंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। 2011 की जनगणना हम लोग कर रहे हैं, बहुत फोकस्ड हैं, उसे आप याद भी रखें, एग्ज़ाम में आएंगे ही, 3 से 4 क्वेश्चंस आना ही आना है। और UPPS अगर लोग दे रहे हैं तो 8 से 10 क्वेश्चंस 2011 की जनगणना पे होंगे। तो ये सब सेगमेंट है। नीति आयोग भी बहुत आप ध्यान रखें, नीति आयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब सेगमेंट्स हो गए, आप ये जान लें कि तैयारी अब बचे हुए एक महीने में अगर इकोनॉमिक्स करना है तो कौन सा सेगमेंट हमारा ऐसा होगा जो हमारा एरो शूट करने वाला सेगमेंट होगा, पॉइंट होगा। टेक केयर।